सो so हेलो बच्चे वेलकम टू एग्जाम न्यूज सो बच्चों इस वीडियो में मैं आपको जीके के क्वेश्चन कराऊंगा आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए सो वीडियो में एंड तक बने सो so बच्चों जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है हुमायूं वाज बोर्न इन द ईयर ऑप्शन ए आपका हंड्रेड एट ऑप्शन सी है सेवनटीन हंड्रेड एट एंड ऑप्शन डी है आपका एटीन हंड्रेड एट मीन्स इसमें यह पूछ रहा है कि हुमायूं का जन्म कब हुआ था एंड चलिए अब जान लेते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है सो जिसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर एट दैट इज फिफ्टीन हंड्रेड एट मीन्स जो आपका हुमायूं का जन्म है वो 1508 में हुआ था एंड जब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है हु इन्वेंटेड द 3D प्रिंटर ऑप्शन ए है आपका निकोलियाक ऑप्शन बी है आपका इलियास हॉवे ऑप्शन सी है आपका चखल एंड ऑप्शन डी है आपका क्रिस्टियन ह्यूगेंस मीन्स इसमें यह पूछ रहा है कि जो थ्री डी प्रिंटर है वो किसने बनाया था एंड चलिए जान लेते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है सो so जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी दैट इज चक हल मीन्स जो आपका चक हल है उन्होंने थ्री डी प्रिंटर बनाया था एंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है वॉट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेम्बर्स इन लोकसभा ऑप्शन ए है आपका फाइव वन टू ऑप्शन बी है आपका फाइव फोर टू ऑप्शन सी है आपका फाइव फाइव टू एंड ऑप्शन डी है आपका फाइव थ्री टू मीन्स इसमें यह पूछ रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं लोकसभा में वो कितने होते हैं मैक्सिमम एंड चलिए जान लेते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है सो so जिसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी दैट इज फाइव फाइव टू मीनस जो आपका लोकसभा में मैक्सिमम मेंबर होते हैं वो फाइव फाइव टू होते हैं एंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है फतेहपुर सीकरी वॉज फाउंडेड एज द कैपिटल ऑफ मुगल एम्पायर बाई ऑप्शन ए है आपका जहांगीर ऑप्शन बी है आपका अकबर ऑप्शन सी है आपका बाबर एंड ऑप्शन डी है आपका हुमायूं मीन्स इसमें यह पूछ रहा है कि जो फतेहपुर सीकरी है उसको

मीन्स इसमें पूछ रहा है कि जो समुद्र गुप्त है उनका कोर्ट पोएट कौन था एंड चलिए जान लेते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है सो so जिसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी दैट इज हरिशेन मीन्स जो आपके समुद्र गुप्त के कोर्ट पोएट थे वो हरिशेन थे एंड जब का नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है विच वेदा डिपेक्ट्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट द मोस्ट एशियंट वेदिक एज कल्चर ऑप्शन ए है आपका अथर्व वेद ऑप्शन बी है आपका सामवेद ऑप्शन सी है आपका ऋग्वेद एंड ऑप्शन डी है आपका यजुर्वेद मीन्स इसमें यह

ऑप्शन बी है आपका कुली कुतुब शाह ऑप्शन सी है आपका मोहम्मद बिन तुगलक एंड ऑप्शन डी है आपका फिरोज शाह तुगलक मींस इसमें ये पूछ रहा कि कौन सा ऐसा रूलर था जिसने कॉपर कॉइंस इशू किए थे एंड उनका नाम जितल रखा था एंड चलिए जान लेते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है सो so जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए दैट इज इतुतमिश मीन्स जो आपका इतुतमिश था उसने कॉपर कोइंस इशू किए थे एंड उसका नाम रखा था जितल एंड जब का नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है हु वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ द जैन ऑप्शन ए आपका अजीत नाथ ऑप्शन बी है आपका ऋषभ देव ऑप्शन सी है आपका अरिष्ठ नेमी एंड ऑप्शन डी है आपका परशनाथ मीन्स इसमें यह पूछ रहा है कि जो जैन के फर्स्ट तीर्थंकर थे उनका नाम क्या है एंड चलिए जान लेते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है so जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी दैट इज ऋषभ देव मीन्स जो आपके जैन के फर्स्ट तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभ देव एंड जब का नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है द मैगिनॉट लाइन्स एग्जिस्ट बिटवीन विच कंट्री ऑप्शन ए है आपका फ्रांस एंड जर्मनी ऑप्शन बी है आपका जर्मनी एंड पोलैंड ऑप्शन सी है आपका नमीबिया एंड एंगोला एंड ऑप्शन डी है आपका यूएसए एंड कनाडा मीन्स इसमें ये पूछ रहा है कि जो मैगिनॉट लाइन्स हैं वो कौन सी कंट्रीज के बीच में है एंड चलिए जान लेते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है सो so जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए दैट इज फ्रांस एंड जर्मनी मीन्स जो आपके मेगेनोट लाइन्स हैं वो फ्रांस एंड जर्मनी के बीच में एग्जिस्ट करती हैं एंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है द ग्रैंड कैनियन लोकेटेड इन विच कंट्री ऑप्शन ए है आपका घाना ऑप्शन बी है आपका द यूएस ऑप्शन सी है आपका कनाडा एंड ऑप्शन डी है आपका बोलीविया मीन्स इसमें पूछ रहा है ग्रैंड कैनियन कहाँ पे लोकेटेड है एंड चलिए जान लेते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है सो so, जिसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी दैट इज द यूएस मीन्स मीनस जो आपकी द ग्रैंड कैनियन है वो यूएस में सिचुएटेड है एंड जब का नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है विच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑप्शन ए है आपका मीडिया ऑप्शन बी है आपका जुडिशरी ऑप्शन सी है आपका लेजिस्लेचर एंड ऑप्शन डी है आपका ऑल ऑप्शन आर करेक्ट मीन्स इसमें ये पूछ रहा है कि गवर्नमेंट का ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो कि लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है एंड चलिए जान लेते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है सो so इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी दैट इज लेजिस्लेचर जो आपका लेजिस्लेचर है वो गवर्नमेंट का एक ऐसा ऑर्गन है जो कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को डिफाइन करता है एंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू राज्यसभा ऑप्शन ए है आपका टेन ऑप्शन बी है आपका ट्वेल्व ऑप्शन सी है आपका फाइव एंड ऑप्शन डी है आपका ट्वेंटी मीन्स इसमें यह पूछ रहा है कि जो कितने मेंबर्स होते हैं जो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं राज्यसभा में एंड चलिए जान लेते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है सो so जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी दैट इज ट्वेल्व मीन्स जो आपके ट्वेल्व मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं एंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है हाउ मैनी टाइम्स अ पर्सन कैन बी एलेक्टेड एज द प्रसिडेंट ऑफ इंडिया ऑप्शन ए है आपका वन टाइम ऑप्शन बी है आपका टू टाइम्स ऑप्शन सी है आपका थ्री टाइम्स एंड ऑप्शन डी है आपका नो बार मीन्स इसमें यह पूछ रहा है कि एक पर्सन कितने बार इंडिया का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जा सकता है एंड चलिए जान लेते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है सो जिसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी देट इज़ नो बार जो आपका प्रेजिडेंट है वो अनलिमिटेड टाइम्स इलेक्ट किया जा सकता है एंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है महाराष्ट्र हैज डैश सीट्स इन लोकसभा ऑप्शन ए आपका 42 ऑप्शन बी है आपका 40 ऑप्शन सी है आपका 48 एंड ऑप्शन डी है आपका 45 मींस इसमें पूछ रहा है कि महाराष्ट्र के पास लोकसभा की टोटल कितनी सीट्स हैं एंड चलिए जान लेते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है सो so जिसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी दैट इज 48 मींस जो आपका महाराष्ट्र के पास सीट्स हैं लोकसभा की वो 48 सीट्स हैं एंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है हु इज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल ऑप्शन ए है आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑप्शन बी है आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑप्शन सी है आपका मिनिस्टर काउंसिल होती है उसका चेयरमैन कौन होता है एंड चलिए जान लेते हैं ऑप्शन नंबर डी देट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मीनस जो आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं वो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के चेयरमैन होते हैं एंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है हु डिसाइड्स अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स टू पॉलिटिकल पार्टीज ऑप्शन ए है आपका इलेक्शन कमेटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ऑप्शन बी है आपका पॉलिटिकल पार्टी गवर्निंग कमेटी ऑप्शन सी है आपका पॉलिटिकल पार्टी लीडर एंड ऑप्शन डी है आपका इलेक्शन कमीशन मीन्स इसमें पूछ रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनको उनका पॉलिटिकल सिंबल मीन्स उनका चुनाव चिन्ह कौन देता है एंड चलिए जान लेते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है है सो so, जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी दैट इज इलेक्शन कमीशन मीन्स जो आपकी इलेक्शन कमीशन है वो पॉलिटिकल पार्टीज को उनका चुनाव चिन्ह देती है एंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें पूछ रहा है व्हाट इज द सेवेंटी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एंड सेवेंटी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रिलेटेड ऑप्शन ए है आपका पंचायती राज एंड म्यूनिसपैलिटी ऑप्शन बी है आपका म्यूनिसिपल एंड पंचायती राज ऑप्शन सी है आपका डिफेक्शन लॉ एंड ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ दिस मींस इसमें यह पूछ रहा है कि जो आपका सेवेंटी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था एंड जो आपका सेवेंटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था वो किससे रिलेटेड है एंड चलिए जान लेते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है सो so, जिसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ पंचायती राज एंड म्यूनिसपाली मीन्स जो आपका सेवेंटी थर्ड एंड सेवेंटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था वो इनसे रिलेटेड था एंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है द क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट रिफर्स टू ऑप्शन ए आपका क्लासिफिकेशन बाई सोशल लेवल

टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया एट प्रेजेंट ऑप्शन है आपका ट्वेंटी वन ऑप्शन बी आपका 22 ऑप्शन सी आपका 25 और ऑप्शन डी है आपका 28 मींस इसमें ये पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इंडिया में कितनी है एंड चलिए जान लेते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है सो so जो इसका करेक्ट आंसर है है वो ऑप्शन नंबर सी दट इजेंटी फाइव मीनस टोटल इंडिया में ट्वेंटी हाई कोर्ट्स हैं इस टाइम पे so बच्चों इस तरह मैंने आपको टॉप ट्वेंटी क्वेश्चन करा दी आपके जीके के बी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैं इसी तरह क्वेश्चन लाता रहूंगा आपके लिए और भी सब्जेक्ट्स के जो भी बी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में आएंगे तो बच्चे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को शेयर भी कर दें आपके फ्रेंड्स के साथ जो भी बीएससी नर्सिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो थैंक यू